ब्यूटीफुल पीपल एंड फैब यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू वाइब्रेंट विद्या ब्लॉग्स चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ। ये वीडियो शुरू होता है शाम का, जो कि मैं मार्केट गई थी और कुछ सामान लाई थी किचन के लिए, जिसमें एक है अपम मेकर। हुआ यूं कि लास्ट ईयर मम्मी ने मुझे एक लाके दिया था अपम मोल्डर, जो बहुत खराब निकला। वो था ऑरेंज कंपनी का कुछ मेरे हिसाब से। तो हर 3 या 4 हफ्ते में एक बार अपम मैं जरूर बनाती हूँ। इसके लिए मुझे नया वाला चाहिए था, तो मैं गई थी शॉप जहाँ प्रेस्टीज प्रीति और पिजन कंपनी का कुछ अच्छे कंपनी का मिला, जिसमें मुझे पिजन का बहुत अच्छा लगा। प्रेस्टीज और पिजन का उतना फर्क नहीं है प्राइस में। बाय द वे गाइस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। जो मैं नया लाई थी उसके बारे में बोल रही थी उतना ही। चलिए फिर, आज है सैटरडे तो कल संडे है। यूजुअली संडे जब टाइम रहता तो मैं ऐसी चीजें बनाती हूँ, तो कल संडे है, अपम बना के देखते हैं कैसे आता है रिजल्ट। तो ये है नेक्स्ट डे का, संडे का। तो गैस चालू करते हैं। थोड़ा हीट होने के बाद मोल्ड्स में थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे, ऐसे 1/4 स्पून। फिर बैटर का जो मिक्सचर है, मैंने पहले बना के रखा था, जो कुछ मसाला है, मतलब नॉर्मल बैटर नहीं है, सिंपल बैटर नहीं है, इसमें कुछ मैंने मिलाया है। अगर आप चाहते हो क्या है तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसका भी वीडियो बनाती हूँ। तो ये जो रेडी मैंने करके रखा था, मोल्ड्स में डालती गई, फिर क्या ऊपर लिड डाला और मीडियम आंच। तो फिर 2-3 मिनट में जब मुझे लगा कि हुआ है, मैंने लिड निकाल के देखा। फिर ये जो चीज आप देख रहे हो वो भी मैंने कल लिया गाइस, जिससे ये उतरने में जल्दी ईज हो जाता है। तो मैंने फ्लिप किया, इसे फ्लिप करती गई और साइड में आप देख रहे हैं सर्कल मोशन में मैं ऑयल डाल रही हूँ, जिससे कि अब तुम बहुत ही क्रिस्पी बनेगा दोनों तरफ से। तो ऐसे ऐसे मैंने बनाया था अब तुम। मेरे हस्बैंड का आए तो बहुत तारीफ किए, अच्छा लगा उन्हें। अगर आप भी चाहते हो पूरा रेसिपी एक बार मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, एक कौन सा भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई फेल्ट दिस प्रोडक्ट रिव्यू वुड हेल्प पीपल लाइक मी। मेरे भाई और मेरे पति ईमेल के जियो डोंगल लाए थे हॉल में। डोंगल नाम सुनते ही गाइस आपको भी याद आता होगा, 4-5 साल पहले डोंगल पेन ड्राइव जैसे आता था। इन्हीं कुछ सालों में टेक्नोलॉजी कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, बाप रे सोच नहीं सकते हम, हमारे सोच से बाहर है। तो ये है जियो का डोंगल, पर्सनल हॉटस्पॉट काइंड ऑफ अ थिंग, जियो डिजिटल लाइफ। बहुत प्यारा और अट्रैक्टिव पैकिंग है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें एक ब्लैक कलर का छोटू सा माउस है, माउस जैसे दिखता है। और चलिए तो फिर देखते हैं और क्या है इसमें। इस डिब्बे में वारंटी कार्ड है डिवाइस के लिए, और एक ईयर गारंटी है, और एक्सेसरीज के लिए 6 मंथ्स यानी 6 महीने, और कनेक्टर है, बैटरी है फॉर द डिवाइस। उफ यार, ये तो बहुत ही टाइट है, निकल ही नहीं रहा है, ओपन ही हो रहा है। चलो खोलने के लिए, ये लो मैंने ऑन किया, सिम वगैरह डालना है अभी इसमें। और ये देखो गाइस, एक फ्री गिफ्ट मिला इसके साथ जो शॉप से जहाँ ये हम लोगों ने खरीदा था। ये है रिलायंस का ही सिस्टर कंसर्न प्रोडक्ट, ब्लूटूथ विद वायर, इसका नाम है रीकनेक्ट। चलो इसको भी अनपैक कर लेते हैं। और ये है, यू कैन सी द प्रोडक्ट, और ये कुछ वारंटी कार्ड इसका, 1 साल का गारंटी है। मैग्नेटिक बड्स वगैरह दिए हैं जैसे नॉर्मली दूसरे ब्लूटूथ में होते हैं। इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा गाइस इसके बारे में। एंड आई शुड कॉम्प्लीमेंट दैट माय ब्रदर अजय, इट वाज हिम शूटिंग द वीडियो फॉर मी, थैंक यू अजय। तो प्रोडक्ट रिव्यू इतना ही था, अगर चाहते डोंगल बहुत ही पसंद आया, देखते हैं गाइस कैसे आता है। और इसमें क्या अच्छा लगो बोलो गाइस, पहले हम पेन ड्राइव जैसे यूज करते थे ना, अभी वो नौबत नहीं है। इट इज वेरी हैंडी, आप कहीं भी टेबल पे रख सकते हो और आराम से यूज कर सकते हो। वो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने लाया इसको. देखते हैं कैसे और कितना यूज होता है. बस यही था अबाउट द प्रोडक्ट. मूंगफली की चटनी एक फेमस रेसिपी है हमारे यहाँ. बहुत से घरों में बनती है राइस के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ यूजुअली हम खाते हैं. तो उसके लिए मूंगफली की चटनी बनाना था मुझे. यूजुअली सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैंने मूंगफली भून के रखने का सोचा. कढ़ाई में यहाँ पे भून रही हूँ मैं. फिर चाय भी चढ़ाया था, चाय पीनी थी मुझे तो चाय चढ़ाया था. फिर मेरे हस्बैंड ने स्नैक्स के लिए पूछा तो कुछ भी नहीं था. देखने पर मुझे मुरमुरा दिखाई देने लगा. फिर वेल हम कन्नड़ा में इसे झुरमुरी बोलते हैं गाइस. आप वहाँ मुरमुरा बोलते होंगे है ना. तो मुरमुरा बनाने का सोचा मैंने. फिर यहाँ पे एक कढ़ाई रखा जिसमें ऑयल डाला. फिर ऑयल गर्म होते ही पहले मूंगफली डाला. फिर कुछ सेकंड्स के बाद रोस्टेड बंगाल ग्राम यानी भुने चने दाल डाला. थोड़ा फ्राई करके बाद में थोड़ा सा जगह बना के लहसुन जो मैंने छील के रखा था वो डाला. फिर थोड़ा सा हींग. फिर साथ ही साथ उसके उसमें भी टाइम है डालने का राई और जीरा. फिर थोड़ा राई और जीरा डाला, थोड़ा भुना. फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और जो मिस है क्लिप में मिसिंग है हल्दी डालने का. फिर थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ा चम्मच से हिलाया. फिर उसके बाद मुरमुरा डाला. इमीडिएटली गैस ऑफ किया. बहुत से लोग ऐसे करते होंगे मुरमुरा, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं. फिर मैंने कुछ ट्विस्ट दिया इसको. थोड़ा भुना हुआ चना दाल यानी रोस्टेड बंगाल ग्राम कोर्सली पीस के उसमें डाला. फिर थोड़ा सा शक्कर पीस के डाला. बहुत ही मस्त लगता है गाइस. यूजुअली ये सब ऐसे नहीं बनाते. मैं कैसे सीखी बोले तो एक बार क्या हुआ था जब मैंने मुरमुरा बनाया था. बहुत ही ज्यादा उसमें मिर्ची डाला था तो बहुत मिर्च होने की वजह से फिर मैंने सोचा उसको क्या करे जिससे तीखापन थोड़ा कम हो. तो मैंने सोचा अगर शुगर तो यूजुअली शुगर पाउडर तो डालती ही है थोड़ा बहुत, पर मैंने सोचा क्यों ना ये डाला जाए. तो तब से ये एक अलग ही टेस्ट देने लगा. सबने बहुत मतलब अप्रिशिएट किया तब से. कभी कभार मैं ऐसे भी करती हूँ. तो ये हुआ मुरमुरा की स्टोरी. हमारे यहाँ के लोग प्याज के साथ खाते हैं. प्याज बहुत पसंद करते हैं ऐसे चीज़ों के साथ. तो इनके बोलने पर मैंने थोड़ा प्याज काटा बारीक बारीक. फिर थोड़ा धनिया पत्ता और साथ ही साथ थोड़ा शेव था मिक्सचर जो डाल के इनको दिया. तो फाइनली चाय साथ में. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए. शाम के टाइम में ऐसे वाले नमकीन चीज़ें स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ. तो इतना था आज का वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन डेफिनेटली दबाना सो दैट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।